जो ये शरीर लिया है भौतिक शरीर उसके लिए यही उचित है क्या? न हित्यापघातम गृह अंग रूपम बन गो जब हरिमा करेगा। जब ये जो शरीर मिला भौतिक शरीर, इसके लिए सब समय हमको चिंतित रहना पड़ता है। तो साधु मन ने शुरू वर्ग देना सदा समुद्र विघ्न दिया असद ग्रहा। ये जो असद वस्तु शरीर में धारण किया है, इसके लिए सब समय समुद्र विघ्न रहने पड़ेगा। और यदि आप ये समुद्र विघ्नता से हमें छुट्टी लेने को चाहते हैं तो हित्यात्मघातम गृह अंग कूपम वरम गतो जद हरिमा है। इसलिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है बालप्रस्थ वन में जाना, पंचाशोद्धम वनम ब्रजे, ये शास्त्र के निर्देश है। जहां 50 वर्ष हो गया अब वन में जाइए। तो वन में तो जाने का आजकल सामर्थ्य नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो इसलिए कम से कम वृंदावन में आइए। हम लोग वृंदावन में को भारी मंदिर बना है और रहने का जगह है। आप लोग जिसका 50 वर्ष ऊर्ध हो गया सब आइए, उधर रहिए, भगवत चर्चा कीजिए और जीवन को संभल दीजिए। बनंगत वो जग हरिमा, खाली वन में जाने से नहीं होगा, वो तो बंदर भी रहता है वन में, नंगे रहते हैं, फल भी खाते हैं, बड़ा सात्विक जीवन। ताकि एक एक बंदर का दो दो तीन तीन दर्जन ओ बन चाहिए। उस प्रकार वन में जाने से कुछ फायदा नहीं है। वन में जाइए हरिमा आश्रय का और भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए, ये शास्त्र का निर्देश। तो जहां तक हो हम लोग सब सुविधाएं देने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। सब आश्रम भी बना रहा हूं और मंदिर भी बना रहा हूं और रहने का जगह भी है। तो कम से कम पंचाशुद्धम ये जो सिद्धांत है कि हम कभी घर छोड़ेंगे नहीं, ये ठीक नहीं। तो फिर सदा समुद्र विघ्न धियाम अशुद्ध देहा हित्यात्मघातम गृह अंग रूपम, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता है वर्णाश्रम धर्म, ये असल धर्म है। चार वर्ण चार आश्रम, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जरूर होना चाहिए, नहीं तो समाज उश्रृंखल है। ब्राह्मण समधम शिक्षा, ये सब विद्वान होकर के सबको सिखाएंगे, क्षत्रिय शासन करेंगे और वैश्य अन्न उत्पादन करेंगे, अब शूद्र जो कुछ जानते हैं नौकरी करेंगे बस। इसी प्रकार ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यास, ये सब नियम को पालन करने चाहिए, कभी सुखी होंगे। और केवल स्वर्ग धा का ऐसा परिश्रम करते लाओ पैसा लाओ लड़की, ये कोई सिविलाइजेशन नहीं, इसमें दुनिया नाश हो गया। तो इसलिए हम लोग का आप लोग से निवेदन है कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट आंदोलन है इसको अच्छी तरह समझिए। ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, एक हमारा मगज में कोई बुद्धि आदि लगा दिया, नहीं, ये जगलरी नहीं है, साइंटिफिक वैज्ञानिक शास्त्र सम्मत, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए, इसको लीजिए और जिस तरह से आपका जीवन सफल हो सके इसके लिए कार्य कीजिए, इतना ही आप लोग से निवेदन। और वो सब काम बड़ा सुंदर से हो जाए यदि केवल आप ये हरेर नाम ही होती है, चित्त दर्पण बन जाए, चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा चित्त दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावध जीवनम आनंदामृति वर्धन। यदि आप इस लाइन में आइएगा
तो आप आनंद चाहते हैं, आनंदमय अभ्यास जी मातृ आनंद चाहते हैं। भगवान भी आनंदमय है और भगवान का अंश स्वरूप जो जीव है वो भी आनंद धोते हैं। तो सुखम मातरम तिकम जब तक अतीन्द्रिय ग्राह्यम, जो वास्तविक आनंद है वो तो अतीन्द्रिय वस्तु है, ये भौतिक वस्तु नहीं है। रमन्ते योगिना अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामोपदेनासो परब्रह्म विधीयते। ये शासन है भगवान रामचंद्र का विषय होता है कि राम माने परब्रह्म, कृष्ण माने परब्रह्म, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, और भगवान राम और भगवान कृष्णा हरे राम, ये कोई फर्क नहीं। जब आप शुद्ध राम कीर्तन करेंगे तो समझ लीजिए कि भगवान रामचंद्र ये बलराम, कोई भी राम भगवान, भगवान का एक परशुराम हुआ, एक बलराम हुआ और एक भगवान रामचंद्र हुआ, सभी एक है। तो वे नाम चिंता मनी कृष्ण, नाम को जप करने से आप चाहे राम का भक्त हो या कृष्ण का भक्त है, समझ लीजिए भगवान रामचंद्र और कृष्ण आपका जीवा में आकर के नाच रहे हैं। इस भावना से यदि आप नाम कीर्तन कीजिए तो आपको जीवन सफल होगा। विद्यावधि जीवन आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन, ये चैतन्य महामृति आशीर्वाद है, ये बताएं। तो आप लोग जिस अवस्था में रहिए और इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं है, एक दफे देख लीजिए जो हरे नाम करने से क्या क्या फायदा, सब समय कीर्तनीय सदा हरि। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताए कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो कोई बोलेगा ये पागल है, देखो तो बिजनेस में अपना बैठे हैं और नाम जप कर रहे हैं। कोई बोलेगा जुआ चोरी, ये जुआ चोर है, एक ढंग लगा है, ये सब सहना पड़ेगा। भगवत भक्त होने के लिए बहुत सहन करने पड़ता है, जैसा प्रहलाद महाराज अपना पिताजी शत्रु हो गया, मारो ये बेटा को, ये भगवान का नाम करता है, हमारा बात सुनकर ये सब शत्रु बन गए। तो ये सब होते हुए भी तिनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, ये सब सहन करके भगवान का नाम जपा कीजिए, जीवन आपको सब सफल हो जाएगा।